हेलो एवरीवन आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ एटीट्यूड चेंज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप ये टॉपिक जो है ये एम पी के लिए है इससे पहले हमने डिस्कस किया था एटीट्यूड्स की कुछ थ्योरीज के बारे में जो कि इग्नू सिलेबस में है जिसमें से फर्स्ट थी हैदर की बैलेंस थ्योरी सेकंड कार्ट्स की फंक्शनल थ्योरी थी और थर्ड थी कैलिमेंट्स की थ्री प्रोसेस थ्योरी आप उसको भी देख सकते हैं ये तीनों थ्योरीज भी एग्ज़ाम्स में रिपीट हुई हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं एक तो ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड चेंज और अगर यही क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एटीट्यूड चेंज होता तो ये सिक्स मार्क्स में आ जाएगा या फिर सिंगल ये क्वेश्चन आएगा ठीक है तो ये सिक्स मार्क्स के आएंगे तो दैट मीन्स कि आप दो क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन से जिसमें फर्स्ट पॉइंट है नीड सेटिस्फेक्शन प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एटीट्यूड ऑफ थ्योरीज के बारे में जिसमें बहुत सारे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जब हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती है फुलफिल होती है तो हमारे एक पॉजिटिव एटीट्यूड का फॉर्म होता है क्रिएट होती है हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ द इंटरनेट ऑफिस स्टडीज़ बिकॉज इट्स ऑफ़ हिज एकेडमिक नीड्स क्योंकि उसके एकेडमिक नीड्स फुलफ़िल हो रही है वो सेटिसफाई है उस चीज़ से तो उसका उसी तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो गया फॉर्म हो गया ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं सोशल लर्निंग सोशल लर्निंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इस प्रोसेस के थ्रू लर्निंग इफ़ेक्ट होती है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इंडिविजुअल लर्नस अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर तो बेसिकली जो सोशल लर्निंग है वो थ्री प्रोसेस के थ्रू इफेक्ट करती है या फिर डेवलपमेंट करती है एटीट्यूड का दीज आर क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फोर्थ है ग्रुप एफिलिएशन अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है डिस्कवर्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पावलो आपने पढ़ाई होगा ठीक है तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑटोमेटिक लर्निंग कि हम ऑटोमेटिक सीखते हैं ठीक है तो क्या होता है इसमें कि दिस लर्निंग प्रोसेस क्रिएट्स अ कंडीशन रिस्पॉन्ड थ्रू एसोसिएशन बिटवीन एन अनकंडीशन स्टीमलस एंड न्यूट्रल स्ट्यूमलेस बिटवीन वॉट अनकंडीशन स्ट्यूमलेस एंड न्यूट्रल स्ट्यूमलेस फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज एन एग्जाम्पल कि एक बच्चा है जो रिपीडली आ, अपने फादर से ये सुनता है कि पाकिस्तान इज़ एन एनिमी कंट्री जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे होती हैं पाकिस्तान के सपोर्ट से तो चाइल्ड ग्रेजुअली डेवलप्स अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स पाकिस्तान इवेन थ्रू इनिशियली द वर्ड्स पाकिस्तान वॉज अ न्यूट्रल वर्ड्स फॉर हिम तो ये एग्जाम्पल हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग का अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एन टर्म ऑफ फॉर ऑपरेट कंडीसनिंग ये लर्निंग प्रोसेस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय बी एफ अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट आर यूज टू इधर इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बिहेवियर विल अकर अगेन इन द फ्यूचर अगर हम किसी बच्चे को रेनफोर्समेंट देते हैं तो उसका उसी टाइप का एटीट्यूड क्या होता है इंक्रीज होता है अगर हम उसको पनिशमेंट uh, करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्टिविटीज़ को करने के लिए तो उसकी जो एक्टिविटीज़ uh, होगी उसका जो एटीट्यूड होगा व, वाला तो वो क्या होगा डिक्रीज़ होगा तो ये किस में आता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आप इसको रीड कर लेना एक ये एग्ज़ाम्पल है कि पुलिस गिव्स अ ड्राइवर अ टिकट ठीक है अनप्लीजेंट स्ट्यूमलेस फॉर स्पीडिंग अनवॉन्टेड बिहेवियर मीन्स के एक पुलिस जो है जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो एक बस ड्राइवर को क्या करता है कि टिकट्स मतलब कि फाइन फिल करना होता है कि वो गाड़ी क्या है अब बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था तो ये एक तरीके से हो गया पनिशमेंट जो कि इन फ्यूचर वो नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एल्बर्ट बनड्यूरा ने इसको डेवलप किया था इस लर्निंग के इस प्रोसेस के थ्रू बिहेवियर्स आर लर्न बाय वॉचिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स एंड द आउटकम्स ऑफ सच एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल हम अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हम देखते हैं कि uh, जो बड़े अगर हमारे घर पे कोई आ रहा है तो उसके जो छोटे लोग होते हैं वो क्या करते हैं पाँव को छूते हैं ठीक है रिस्पेक्ट करते हैं उनकी तो फिर हम भी देखकर उसी तरीके से एक्टिविटीज़ करने लगते हैं जैसे कि पूजा करना हुआ या फिर खाना खाने का तरीका या फिर बोलने का तरीका ये सारी चीज़ें कैसे सीखते हैं बच्चे ऑब्जर्व करके मोस्टली ठीक है अब आते हैं लास्ट एंड फोर्थ पे ग्रुप एफिलिएशन ग्रुप एफिलिएशन का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है जब एक पर्सन अडॉप्ट करता है उसके वैल्यूज़ को यहाँ पे नॉर्म्स रहेगा नॉर्म्स को ओपिनियंस को बिलीव्स को तो उस तरीके से उसका ग्रुप एफिलिएशनस क्या होता है डेवलप होता है ठीक है और उस डेवलप होता है और उसका एटीट्यूड भी उसी तरीके का डेवलप होता है ठीक है ओके, आई होप ये जो फैक्टर्स हैं आपको एटीट्यूड के ये समझ में आगे होंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के चलते हैं जिसमें है एटीट्यूड चेंज एटीट्यूड चेंज इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन और मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट ओके तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होता है एटीट्यूड चेंज एक फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट चेंज और सेकंड है इन कॉन्ग्रेंट चेंज ये एग्जाम्स में एक दो बार रिपीट हुआ है तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट चेंज से इट इज़ अ टाइप ऑफ एटीट्यूड चेंज वेयर द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड चेंज इन द सेम डायरेक्शन वट द मीनिंग ऑफ सेम डायरेक्शन इसको इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं तो जो सेम uh, डायरेक्शन मतलब कि जो आपका ओरिजिनल एटीट्यूड मान लीजिए नेगेटिव है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड और इंक्रीज़ होकर नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है ठीक है अब मान लीजिए आपका ओरिजिनल एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज होके पॉजिटिविटी की तरफ जाता है तो ये क्या कहलाता है कॉन्ग्रुवेंट एटीट्यूड चेंज मींस के सेम डायरेक्शन में ये एटीट्यूड क्या होता है डेवलप होता है मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक पर्सन है जिसको ये पता है कि जिम जाने से उसका बॉडी जो है वो शेप में रहेगा बट आफ्टर टाइम ही रिलइज़ और मतलब कि उसे पता चलता है कि जो बॉडी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं जिम जाते हैं तो हम जो उसके हेल्थ से भी रिलेटेड काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं हमें बीमारियां नहीं होती हैं ठीक है ठीके? तो वो क्या करता है और प्रोविकली जिम एक्सरसाइज को करने लगता है ठीक है तो ये क्या हुआ ओरिजिनल एटीट्यूड तो उसका पॉजिटिव था ही वो एक्सरसाइज कर ही रहा था तो उसका जब उसे पता चला कि हाँ ये और भी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है तो उसने और भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया एक्सरसाइज एंड ऑल पे ठीक है तो ये क्या हुआ है पॉजिटिविटी हुई अब बात करते हैं ओरिजिनल नेगे एटीट्यूड नेगेटिव और नेगेटिविटी की ठीक है तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है फिजूल खर्ची करता है तो फिजूल खर्ची में एक टाइम ऐसा आता है कि उसको कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं उसके टाइम उसके पास पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा उसने इस क्या करते हैं सेविंग करके नहीं रखी होती है तो उस पॉइंट को वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव न करके नेगेटिव ही करता है वो आगे चल के और भी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगता है कि उस टाइम पे तो मुझे कुछ काम ही नहीं आया तो मैं क्या करूँगा बचा के वो और भी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगते हैं तो कुछ इस टाइप के मीन्स की नेगेटिव एटीट्यूड तो था ही सेविंग मनी लेकर और भी ज़्यादा वो क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया इंक्रीज नेगेटिविटी तो ये हो गए कॉन्क्रेन चेंज आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए आते हैं नेक्स्ट इन कॉन्ग्रुएंट चेंज भी ये एकदम अपोजिट होता है कॉन्ग्रोन्ट uh, चेंज का इट इज़ अ टाइप ऑफ एटीट्यूड चेंज वे आर इन द एटीट्यूड चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड मीन्स कि आपका अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा चलिए लेट्स एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मोक करता है जिसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है स्मोकिंग की तरफ ठीक है एट सम पॉइंट इन लाइफ वो रियलाइज़ करता है कि स्मोकिंग कॉजेज मैनी सीरियस हेल्थ इश्यूज़, तो उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है स्मोकिंग की तरफ तो वो क्या करता है ट्राइज टू क्विट इट वो क्विट करने की कोशिश करता है तो ये हो गया किस तरफ हुआ नेगेटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव एटीट्यूड ओके आई होप ये आपको टॉपिक uh, समझ में आया होगा अब ओरिजिनल एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को आप सर्च करो और उसके बारे में पढ़ो कि क्या हो सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में लिखो ठीक है तो ये आपका होमवर्क है तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग